जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, गोधूली का जो बुक है हिंदी का आपका, मैं उसका गद्य खंड का पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम बताने वाला हूँ बहुत ही ट्रिक तरीके से, ताकि एक ही बार वीडियो आप देखेंगे और आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, मैं वैसा ट्रिक लेकर आ गया हूँ और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो श्रम, ठीक है, तो छोटा भीम का नाम सुने होंगे, छोटा भीम आप मूवी में देखे होंगे, छोटा भीम, ठीक है, बच्चे लोग भी काफी देखते हैं छोटा भीम। तो छोटा भीम अगर कोई है तो छोटा भीम को कोई भी काम आप बता दीजिए तो उसको कोई श्रम नहीं लगेगा। श्रम की बात उसमें कोई नहीं रहेगा, कोई भी काम आराम से छोटा भीम कर लेता है। तो भीम को कोई श्रम नहीं है, तो श्रम मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीम के मतलब भीमराव अंबेडकर, याद हो गया। श्रम भीम मतलब भीम को कोई श्रम नहीं है, यानी श्रम नहीं है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीम को यानी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए कौन सी, आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हो गए भीमराव अंबेडकर, याद हो गया, याद रखिएगा। भीम को कोई श्रम नहीं है, श्रम नहीं है मतलब कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जिसके लेखक हो गए भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर। ओके, तो ये पहला कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बीस के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। बीस के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। तो बीस, देखिए नली है, तो नली से क्या बनता है, बीस बनता है, बीस बनता है नली से। कोई भी नली से भी देखिएगा तो बहुत सारे नगरों में, महानगरों में नाला जो होता है उसमें बहुत मतलब कि गंदे पानी है ना, उसमें पूरे गंदे पानी दहाते रहते हैं, मतलब कि नाला से जाते रहते हैं, तो एक तरह से बीस है। क्या होते हैं, नाला से कैसा पानी निकलता है, बीस की तरह, नाले से कैसा पानी निकलता है, बीस की तरह, यानी नाला से, यानी नली बिलोचन शर्मा, बीस जैसा पानी निकलता है, यानी बीस के दांत, ठीक है, नली बिलोचन शर्मा, बीस के दांत, नाला से कैसा निकलता है पानी, तो बीस की तरह निकलता है, यानी कि बीस के दांत, ठीक है, तो नली बिलोचन शर्मा बीस के दांत, क्लियर। आगे देखते हैं, तीसरा देखिए, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है मैक्स मूलर, तो मान लो कि दूसरे जगह के रहने वाला है, वो भारत आया और भारत से कुछ सीख कर गया, ठीक है। मान लीजिए कोई नेपाल से कोई व्यक्ति आता है और भारत से कुछ सीख के जाता है, तो उससे पूछता है, उसका दोस्त पूछा है, नलिन, उसका नाम था नलिन, ठीक है, नलिन था, तो बोला कि नलिन भारत गए रहा तो का सीख ल, भारत गए रहा तो का सीख ल, तो भाषण सीख ली, इसे ही भाषण है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। तो नलिन बिलोचन शर्मा भारत से का सीख ल, नलिन भारत से का सीख ल, ठीक है, नेपाल से आता है नलिन और भारत में, तो उसका दोस्त बोलता है कि नलिन भारत से क्या सीखा, तो नलिन भारत से का सीख ल, तो भाषण सीख ल, ये भाषण है एक तरह से, इसीलिए, तो बस नलिन बिलोचन शर्मा भारत से क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, नलिन बिलोचन शर्मा। ओके, अब देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो नाखून बढ़ने का जो प्रक्रिया है, हजारों साल पहले से नाखून बढ़ते आ रहा है, आपने किताबों में पढ़ा है कि हजारों साल पहले से नाखून बढ़ते आ रहा है और आज भी बढ़ता है नाखून, ये एक तरह से पौष्टिकता का प्रतीक है, इस चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। तो हजारों साल पहले से बढ़ते आ रहा है नाखून, तो नाखून क्यों बढ़ता है हजारों साल पहले, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून हजारों साल पहले से बढ़ते आ रहा है, तो नाखून के लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं भाई, हजारों साल से नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों साल से, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद हो गया होगा। पांचवा देखते हैं नागरी लिपि के क्या है, गुणाकर मूल्य, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, देखिए गुणाकर नगर गांव, देखिए यहाँ से नागरी को आप नगर समझिए और गुणाकर का मतलब गांव समझिए, ठीक है, गुणाकर को गांव समझिए, ठीक है, तो नगर गांव,
तो आप मान लीजिए नगर में है, नगर से कहाँ जाना चाहिएगा? गांव। बहुत सारे लोग जब कोरोना काल आया था तो उसमें नगर से लोग कहाँ जा रहे थे? गांव की तरफ आ रहे थे। कोरोना काल के टाइम में लोग नगर से कहाँ प्रस्थान करना चाहते हैं? अपने गांव की ओर। कुछ ज्यादा कुछ होता है तो कहाँ जाना चाहते हैं लोग? अपने गांव। नगर से कहाँ? गांव। कोरोना काल में नगर से लोग कहाँ गए? गांव। नगर से यानी नागरी लिपि, गांव से यानी कि गुना कर लो, ठीक है? उस समय नगर से ही गांव ज्यादा बेहतर अच्छा लग रहा था, नगर से लाखों गुना गांव अच्छा लग रहा था, ठीक है? तो नगर यानी गुना करोगे, ठीक है? नागरिक नागरी लिपि गुना करोगे, नगर मतलब नागरी लिपि गुना करोगे, ठीक है? तो नगर से कोरोना काल में नगर से गांव कैसा लग रहा था? लाखों गुना अच्छा लग रहा था ना। कौन? नगर से कहाँ लोग पलायन कर रहे थे? गांव। तो नगर मतलब नागरी लिपि गांव से गांव में आ रहे थे, यानी गुना कर बोले, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। बहादुर अमर का, देखिए बहुत सारे बहादुर लोग हैं जिनका फोटो आज भी लगा हुआ है, ठीक है? जो लोग अमर हो चुके हैं, जैसे गांधी जी का ही नाम ले लीजिए, वो काफी बहादुर थे, इंटेलिजेंट थे। भगत सिंह का नाम ले लीजिए, वो भी काफी बहादुर थे। तो आज उन लोगों का नाम अमर हो चुका है कि नहीं? फोटो लगा हुआ है, जय तह देखिएगा। तो बहादुर मतलब अमर होना, बहादुर बन जाना मतलब अमर होना। तो बहादुर अमर खान, बहादुर अमर खान, बहादुर के मतलब अमर हो जाना, तो ठीक है, बहादुरी की तरह काम करना यानी अमर बन जाना। तो बहादुर के लेखक अमर खान, ठीक है? आगे देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, तो देखिए तो बहुत सारे परंपराएं हैं जो काफी वर्षों पहले से होते चले आ रहा है, ठीक है? परंपरा का मूल्यांकन है ना, तो आपने राम का नाम सुना होगा। राम का जब शादी विवाह हुआ, ठीक है, राम जी का शादी विवाह हुआ, तो उसी समय से शादी विवाह का मान लीजिए कि परंपरा चालू हो गया, ठीक है? जैसे शादी विवाह का परंपरा पहले भी था, लेकिन उस समय से माना जाने लगा, मान लीजिए। तो राम विलास शर्मा, राम मतलब परंपरा, राम के समय से परंपरा चालू हुआ, राम के समय से यानी राम विलास शर्मा परंपरा चालू हुआ, यानी परंपरा का मूल्यांकन। तो राम विलास शर्मा इसके लेखक है, परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा का चालू हुआ था कब, किस समय से? राम जी के समय से। तो राम विलास शर्मा, परंपरा कब से शुरुआत हुआ था? राम जी के समय से, राम विलास शर्मा, ठीक है? तो आगे देखते हैं। जीत जीत मैं लिखत हूँ पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं लिखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। तो देखिए जीत जीत, मान लो कोई व्यक्ति है जो राज जीत लेता है, एक बार नहीं चौपन बार जीतता है, तो जीत जीत राज, जीत जीत मतलब एक बार जीता तो राज, और दो बार जीता तो क्या हो गया, मतलब एक से ज्यादा बार जीत गया तो क्या हो गया? महाराज। पहले राज था, अब महाराज बन गया है, बार बार जीतने वाले को महाराज कहा गया है। महाराज, जीत जीत महाराज, बार बार एक ही चीज को जीतना, महाराज को जीतना, महाराज, बार बार एक ही राज को जीतने के वाले को क्या कहा गया है? महाराज। तो जीत जीत मैं लिखत हूं महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मतलब बार बार जो जीतते हैं उनको क्या कहा गया है? महाराज कहा गया है, बार बार जीतने वाले को महाराज कहा गया है। तो जीत जीत मैं लिखत हूँ महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, यह हो गया। आविनियो अशोक भाजपे, अशोक भाजपा में आवो, अशोक भाजपा में आवो, तो अशोक वाजपेयी आवो मतलब आविनियो, अशोक अशोक भाजपा में आ जाइए। मतलब मान लो कि कोई आरजेडी में है ना, उससे कोई कहा गया कि आप भाजपा में आ जाइए, है ना, भाजपा में आ जाइए। तो अशोक को कहा गया कि किसमें आइए? मेरे भाजपा वाले पार्टी में आइए। तो अशोक भाजपा में आवो यानी कि अशोक वाजपेयी आवो मतलब आविनियो, ठीक है? अशोक भाजपा में आओ यानी आविनियो अशोक वाजपेयी, ठीक है? मछली विनोद कुमार शुक्ला, शुक्ला शुक्ल, शुल्क। मछली जब जाइएगा खरीदने तो आपको शुल्क लगता है, मछली कहीं भी जाइएगा खरीदने तो आपको शुल्क लगेगा, यानी मछली खरीदने के लिए, मछली लाने के लिए आपको शुल्क लगेगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, मछली शुल्क यानी विनोद कुमार शुक्ल, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मछली खरीदने में शुल्क लगेगा यानी मछली के लेखक है विनोद कुमार शुल्क, शुल्क मतलब शुक्ल हो गया, शुक्ल शुक्ल समझने के, विनोद कुमार शुक्ल मछली के लेखक। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, जैसे कहीं गया है नौबत खाने में, है
है ना, आपको खाना खाया खिलाया जाएगा, उसके बाद मिश्री खिलाया जाएगा। कहीं कहीं मान लीजिए परंपरा होता है कि खाने के बाद कोई मीठा चीज दिया जाता है, खाने के लिए मीठा चीज पान पीढ़ी सिगरेट, उसके बाद कुछ मीठा तो उसके साथ मिश्री रख लिया जाता है। तो वही हो गया नौबत खाने में, मतलब नौबत खाने खाना खाने के बाद में, नौबत खाने के बाद में क्या मिलता है, मिश्री मिलता है। तो नौबत खाने में यानी मिश्र, यानी यतेंद्र मिश्र, ठीक है, यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने मतलब नौबत खाना खाने गए हम लोग, नौबत खाने में खाना खाने गए, तो उसके बाद हमको खाना खाने के बाद क्या मिला, मिश्री मिला। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक हो गए मिश्री, यानी यतेंद्र मिश्र, ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति ये तो जन्मे करते हैं, शिक्षा और संस्कृति चाहे कहीं भी संस्कृति की बात की जाए तो महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है गांधी जी। तो संस्कृति की बात कहीं भी हो जाए तो समझ लीजिए कि गांधी जी ही होते हैं महात्मा गांधी। संस्कृति तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी, ये तो आपको याद भी हो जाएगा, कहीं भी संस्कृति देख लीजिए, शिक्षा संस्कृति समझ लीजिए कि शिक्षा संस्कृति इनका देन है भाई, तो महात्मा गांधी। तो बस संस्कृति इनका आज भी हम लोग का संस्कृति, भारत का कल्चर सभ्यता संस्कृति बना हुआ है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, क्योंकि उन्हीं का देन है धोती कुर्ता, धोती जो है धोती पहनने का जो प्रचलन था गांधी जी का ही देन है। सुबह हम लोगों का भारतीयता किससे दिखता है, धोती से दिखता है, धोती कुर्ता पहनिएगा तो यही भारतीयता का निशानी है। तो संस्कृति का बरकरार रखने में किनका योगदान था भाई, तो गांधी जी का। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है भाई, तो महात्मा गांधी। तो आशा करता हूं कि ये आपको ये गद खंड वाला पूरा कंफर्म याद हो गया होगा, ठीक है। अगर कुछ आपको याद हो गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम आपको आज गद खंड बताएं, ठीक है, उसके बाद हम आगे दूसरे पार्ट भी बताऊंगा, अभी आज गद खंड पर आ रहे हैं। जो बच गया जो आपका जो कविता वाला है ना, कविता वाला वो जो है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।